स्टूडेंट्स माई सेल्फ मेवाराम आर्य क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर टू टूजे टॉपिक ए ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यू आर सीइंग दिस ग्लोब। The globe is a true model of the earth. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी हमारा जो प्लानेट पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। It is slightly flattened at the north and the south poles. एंड बल्ज इन द मिडिल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चपटी स्लाइटली है और बीच में ये बल्ज थोड़ी उभरी हुई मोटी है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये देखने में कैसी हो सकती है। You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. आप क्लासरूम में ग्लोब को देख सकते हैं। इस समय आप इस ग्लोब को देख रहे हैं जो आपकी बुक में है। इसके माध्यम से आप अपने माइंड में आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब ही एक ट्रू मॉडल है ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, अर्थात जैसे कि ग्लोब है वैसे ही पृथ्वी है। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब साइज में विभिन्न प्रकार के हैं। बिग वंस एक बड़ा, विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, जिसको हम आसानी से नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स छोटे जो पकड़ आने वाले ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बालून्स और बिग ग्लोब जो बालून्स की तरह होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज, जो कि हम उन ग्लोब उनमें हैंड लगा होता है उनको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर्स व्हील इज रोटेट। ग्लोब को हम कुमार के पहिए यानी चौक की तरह हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोब पर की टॉप पर स्पिन के माध्यम से उसे हम रोटेट कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर कंट्रीज देश कंटिनेंट्स महाद्वीप एंड ओशियन महासागर आर शोन इन दियर करेक्ट साइज। इनका हम सबका करेक्ट साइज मैं ग्लोब पर देख सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। ये किसी पॉइंट पर स्फीयर लाइक, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है, इस पर हम किसी एक पॉइंट की स्थिति का वर्णन करना डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चंस अराइजेज एज टू, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, यानी हम इस पर एक प्लेस की स्थिति को कैसे जान सकते हैं। We need certain points of reference and lines to find out the location of places. हमें इसके रेफरेंस और लाइंस जो कि ग्लोब पर या अर्थ पर रेफरेंस पॉइंट होते हैं और लाइंस होती हैं उनकी हमें आवश्यकता होती है। टू फाइंड आउट द लोकेशन, स्थान की किसी स्थानों की लोकेशन को जानने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है।
यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ अल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। आपको जानकारी होगी कि दैट अ नीडल इज फिक्स्ड, एक ग्लोब पर एक नीडल फिक्स होती है जिसको हम ग्लोब की टॉप साइड और बॉटम साइड पर देखते हैं, वह इसकी एक्सिस कहलाती है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स, अर्थात ग्लोब जो कि दो पॉइंट्स, एक ग्लोब पर दो पॉइंट्स होते हैं जिस पर ये नीडल होकर जाती है, जो कि टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज ऑलवेज अप टॉप साइड एंड साउथ पोल इज बॉटम साइड ऑफ द ग्लोब। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब को हम एक नीडल से वेस्ट टू ईस्ट हम घुमा सकते हैं, इसके चारों ओर घुमा सकते हैं, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन याद रहे कि यहाँ मुख्य अंतर भी हैं। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। डिफरेंस ये है कि पृथ्वी में वास्तव में कोई नीडल नहीं होती, इस तरह नीडल नहीं होती जिस तरह से ग्लोब में नीडल होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये केवल अपने अक्ष पर ही घूमती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अनादर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दूसरी जो काल्पनिक रेखा है ग्लोब पर, जो कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, ये लाइन जो है इक्वेटर कहलाती है। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ, अर्थ का नॉर्थन उत्तरी आधा भाग इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर, पृथ्वी का उत्तरी साइड का आधा भाग नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथ साइड का पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, ये इक्वल बराबर बराबर आधे आधे हो जाते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर टाइम एंड इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। फिर भी इक्वेटर एक काल्पनिक वृत्त लाइन है एंड इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भित पॉइंट है टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थान की स्थिति को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स। इक्वेटर से जो लाइन्स पोल्स की तरफ जाती हैं वह सब पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड कहलाती हैं, यानी अक्षांश, समानांतर अक्षांश कहलाती हैं। लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, लेटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द जीरो डिग्री लेटिट्यूड्स, इक्वेटर को हम जीरो डिग्री लेटिट्यूड्स पर प्रदर्शित करते हैं। मीन्स इट्स मीन्स इज इक्वेटर इज जीरो डिग्री मीन्स, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4
फोर्थ ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ। ये जो है इसकी डिस्टेंस इक्वेटर से डिस्टेंस आदर टू द पोल्स, पोल्स की तरफ वन फोर्थ ऑफ अ सर्किल, इसकी पृथ्वी पर जिसकी गोलाई है वन फोर्थ रह जाती है पोल्स की तरफ। इट विल मेजर ऑफ 360 डिग्री, ये इसकी मेजर जो है 360 डिग्री हैं। एग्जाम्पल 90 डिग्री 10, इस प्रकार 10 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स मार्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्री को मार्क किया गया है एंड साउथ लेटीट्यूड मार्स द साउथ पोल, और 90 डिग्री ही साउथ लेटीट्यूड्स को साउथ पोल तरफ मार्क किया गया है। इट्स मीन्स 90 डिग्री लेटीट्यूड्स इन नॉर्थ साइड एंड 90 डिग्री इज द साउथ साइड इन साउथ पोल साइड एंड वन लेटीट्यूड्स इज द ग्रेटेस्ट लेटीट्यूड इज इक्वेटर। 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 लेटीट्यूड्स लाइंस ऑफ द ऑन द ग्लोब। नेक्स्ट, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स, ऐसी सभी पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर से नॉर्थ में हैं वो नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड्स, और उसी प्रकार साउथ साइड में इन इक्वेटर से इक्वेटर साउथ साइड की पैरेलल साउथ लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। द वैल्यू ऑफ अर्थ लेटीट्यूड्स इज देयरफॉर फॉलोड बाई आइदर द वर्ल्ड नॉर्थ और साउथ। लेटीट्यूड प्रत्येक लेटीट्यूड की वैल्यू इसलिए नॉर्थ और साउथ वर्ल्ड से पॉइंटेड करते हैं जनरली सामान्यतः। दिस इज इंडिकेटेड बाई द लेटर एन और एस, नॉर्थ साइड डायरेक्शन के लिए या नॉर्थ लेटीट्यूड्स के लिए एन का यूज करते हैं और साउथ लेटीट्यूड्स के लिए साउथ डायरेक्शन एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चांदपुर इन महाराष्ट्र, चांदपुर महाराष्ट्र में है इंडिया के, एंड वेलो होरिजोंट इन ब्राज़ील, और बेनो होरिजोंट जो ब्राज़ील में है साउथ अमेरिका के, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड्स, ये दोनों ही 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पर हैं। अब किस प्रकार हम इनकी लोकेट को नॉलेज गेन कर सकते हैं, व्हाट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, व्हाट इनमें से 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से इक्वेटर नॉर्थ में है एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, और 20 साउथ इसके साउथ में है। बी देयर फोर्स से दैट चांदपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन चांदपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर सिचुएटेड है, एंड वेलो होरिजोंट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और वेले होरिजोंट जो है 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर स्थित है। बी सी इन फिगर 2.2, इसको हम 2.2 में देख सकते हैं। वी दैट एज बी मूव
अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि ये इक्वेटर से इक्वेटर से होकर जाती है। द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड डिक्रीज, लेटीट्यूड ऑफ पैरेलल्स के जो साइज है ये पोल्स की तरफ डिक्रीज होती जाती है, यानी इस तरह घटती जाती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। दिस इज अ इक्वेटर सर्कल, इज द बिगेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब। नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट सर्कल आर्कटिक ऑफ सर्कल। इस तरह अदर सर्कल जो पोल तरफ सर्कल जाते हैं उनकी बीच की डिस्टेंस इक्वल है, पैरेलल है, बट इनकी डिस्टेंस पोल्स की तरफ डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट, द लोकेशन पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यानी कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इक्वेटर इज अ ग्रेटेस्ट लाइन ऑन द ग्लोब दैट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टू हाफ ऑन द ग्लोब। इक्वेटर से नॉर्थ साइड हाफ एंड साउथ साइड हाफ, इसलिए हाफ हाफ पार्ट में ग्लोब को इक्वेटर डिवाइड करती है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट आर्कटिक सर्किल, इसी तरह सिमिलरिटी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से साउथ पोल साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, ये इसकी मेन मेजर पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ये 23 डिग्री नॉर्थ है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्किल एट 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और अंटार्कटिक सर्किल ऑफ 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द हीट जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पर हीट जोन क्या होते हैं इसके विषय में आप यू विल अंडरस्टैंड इन दिस फिगर। यू आर सीइंग ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन कहलाता है। इस क्षेत्र पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है, इसका रीजन है इस क्षेत्र पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ये आप इस फिगर से नेक्स्ट फिगर से समझ लेंगे। बट नेक्स्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल का मिडिल पार्ट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के का मिडिल पार्ट। इस क्षेत्र टेम्परेट जोन कहलाते हैं। इस टेम्परेट जोन पर कम गर्मी और कम ही ठंड होती है। इस क्षेत्र में गर्मी कम और ठंड भी कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक गर्मी इसलिए पड़ती कि सूर्य किरणें इस पर स्लेटिंग पड़ती हैं। इसे आप नेक्स्ट फिगर से समझ लेंगे। यू आर सीइंग दिस फिगर, सन रेज इज डायरेक्टली इन दिस फ्लैट रीजन।
ये डायरेक्ट रेज कम क्षेत्र पर पड़ रही हैं, इस कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी है। यही डायरेक्ट रेज टॉरिड जोन पर पड़ती हैं। टॉरिड जोन पर डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण इस पर अत्यधिक गर्मी होती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र या टॉरिड जोन कहते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पर कम गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सन रेज जो पड़ती हैं सिलेंटेड पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। ये रीजन है। इसके लिए आप इससे ठीक तरह से समझ लेंगे। नेक्स्ट आपका द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वन अ ईयर ऑन आर लेटीट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मैंने आपको भी फिगर के माध्यम समझाया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट, इस पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक हमारे सिर के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। दिस एरिया देयर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। ये क्षेत्र टॉरिड जोन कहलाता है। नेक्स्ट द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोपहर के समय सन नेवर शाइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड्स, यानी किसी लेटीट्यूड्स पर सिर के ऊपर जब सूर्य नहीं चमकता है, कभी नहीं चमकता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स। इन सन रेज जो हैं पोल्स की तरफ को डिक्रीजिंग होती जाती हैं, यानी कि घटती जाती है। एज सच इस प्रकार द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का भाग पर गर्मी कम पड़ती है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का भाग पर गर्मी कम पड़ती है। हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयर फॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। इसलिए ये जोन जो है टेम्परेट जोन कहलाते हैं। नेक्स्ट एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एरिया जो कि आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में एरिया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया है, आर वेरी कोल्ड। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल के बीच का एरिया एंड अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया, यानी साउथर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इज दिस रीजन इज वेरी कोल्ड। ये एरिया बहुत ठंडा रहता है। बिकॉज सन रेज इज नॉट फॉल इन दिस रीजन बट, और कुछ पड़ती भी हैं तो स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, इस कारण इस एरिया में अत्यधिक ठंड रहती है। इस एरिया में अत्यधिक ठंड इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें अधिक पड़ती ही नहीं हैं। साउथर्न एरिया सन डज नॉट राइज, इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज।
यहाँ इसका कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें निकलती नहीं हैं। मच एबव द होरिजन देयर फॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। या तो सूर्य किरणें यहाँ पड़ती नहीं हैं या फिर यहाँ पर हमेशा स्लैंटिंग पड़ती हैं जो कि बहुत कम हीट प्रोवाइड कराती हैं। देयर आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिज जोन, ये एरिया जो है फ्रिज जोन कहलाता है। ये बहुत ही ठंडा एरिया होता है। यहाँ पर जीवन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। देयर फॉर सम पर्सन लिव इन दिस रीजन, दैट पर्सन हैव हैबिचुअल इन दिस रीजन। यू विल ऑल स्टूडेंट विल अंडरस्टैंडिंग इन दिस वीडियो एंड ऑडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस में आपने क्या लर्निंग आउटकम्स कितना कर चुके हैं और आप इसमें इसको और पढ़कर इस चैप्टर को आप 5 मिनिमम सर्चिंग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। थैंक यू।